सभी दोस्तों को नमस्ते। आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आई हूँ। ये वीडियो ना ही मानदेय से संबंधित है, ना ही यह वीडियो बच्चों को पढ़ाने और एजुकेट करने से संबंधित है। यह वीडियो है सेविका के कार्य की सराहना ना करने के संबंध में, सेविका के कार्यों को मजाक में लेने के संबंध में, या जगह जगह सेविकाओं के कामों पर जो मीम्स बनाई जा रही है उस संबंध में। मुझे सुनकर तो बहुत ही दुख होता है कि हम लोगों की जो गवर्नमेंट है वो तो बच्चों पर इतना ध्यान देती है, कुपोषण पर इतना ध्यान देती है, गर्भवती महिलाओं पर इतना ध्यान देती है, और फिर वो क्यों भूल जाती है कि एक सेविका के घर भी बच्चे हैं, एक सेविका के यहाँ भी सारी सुविधाओं की जरूरत होती है, और एक सेविका के बच्चों को भी उन सभी सुख सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। आप लोग देख रहे होंगे कि जगह जगह पर सेविकाओं के केंद्र पर जब निरीक्षण करने के लिए अपने विभाग से तो जो कार्यालय कर्मी पहुंचते हैं वो तो पहुंचते ही हैं, उन्हें अच्छे से ये बात पता रहती है कि जो रेट होता है उस रेट पर सेविकाओं को कोई भी सामग्री नहीं मिलती है, चाहे वो सामग्री दाल हो, या फिर वो सामग्री सोयाबीन की खरीद हो, या तेल की खरीद हो, या गुड़ की खरीद हो, या आलू की खरीद हो, कोई भी सामग्री जो होती है कि हमें उस रेट पे नहीं मिलती है। आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार से गांव देहात में लीजिए या फिर मार्केट में आप लीजिए, अगर अभी आलू का सीजन चल रहा है, अभी इस समय जब आलू खेतों से निकाला जा रहा है, तो उस समय जो कि आलू की कीमत होती है 8 से 10 रुपए केजी होती है, और हम लोगों को 8 रुपए केजी पर आलू खरीद करके कहा जाता है कि आप बच्चों को खाना बनवाइए, खिलवाइए। और जिस समय आलू की खरीद हम लोग मार्केट से 22 रुपए 25 रुपए किलो खरीद रहे हैं, उस समय भी तो सरकार या फिर जो अन्य कर्मी आते हैं जांच करने के लिए, उन्हें तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि सेविकाओं को किस रेट पे सामान मिल रहा है, और किस रेट पर और किस आधार पे हम उस पे उंगली उठा रहे हैं, किस प्रकार से हम उस पे उंगली उठा रहे हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप जा करके आंगनबाड़ी सेविकाओं की जो काम है उसमें आप सुधार करवाना चाहते हैं, या पता नहीं आप किस मंशा से जा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत जगह देख रही हूँ कि ब्लॉक प्रमुख हो गए या फिर वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हो गए जो जा करके सेविकाओं से बड़े ही अदब के साथ सवाल पूछते हैं, ये आज क्या बना है, क्यों ऐसे बना है, क्यों इतना बना है, क्यों बना है। तो भाई मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो सवाल आप सेविकाओं से आकर के पूछते हैं, आप अपने सरकारों से क्यों नहीं पूछते हैं कि सरकार किस रेट पर सेविकाओं को सामान उपलब्ध करवा रही है, और किस प्रकार से सेविका अपने आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन कर रही है। क्या आप लोगों को पता है आज तक कभी भी सेविका को किसी भी, पूरे बिहार राज्य की मैं बात कर रही हूँ, अन्य राज्यों की मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे पूरे बिहार राज्य में कभी भी सेविकाओं को केंद्र पर झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू का पैसा नहीं मिला है, बर्तन धुलने के लिए कभी भी बर्तन धुलने के लिए सोटा साबुन सर्फ का पैसा नहीं मिलता है, या फिर ये सब अब छोटी मोटी बातें हैं, चलिए साबुन सर्फ और झाड़ू उसकी बातें हटा दीजिए, अभी तक सेविकाओं को खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए पर्याप्त बर्तन उपलब्ध नहीं हुए हैं। कहीं भी आप जाइए कि नल जल का कनेक्शन करा दिया गया है लेकिन टोटी में पानी उपलब्ध नहीं हुआ है, चापाकल एक बार जैसे तैसे आंगनबाड़ी भवन बन जा रहा है उसके बाद मरम्मती का कभी पैसा नहीं मिलता है, आंगनबाड़ी केंद्र भवन बन जा रहा है सालों साल, एक बार बनने के सालों साल तक उसमें जितना भी काम छोटा मोटा करवाना रहता है सेविका खुद से करवाती है, मरम्मती का पैसा उसे विभाग 1 रुपये भी नहीं देता है। तो उस समय आप लोगों की नज़रें कहाँ रहती हैं, उस समय आप लोगों की निगाहें कहाँ रहती हैं, वो आप लोगों को नहीं दिखता है कि सेविका किस प्रकार से कार्य कर रही है। आप लोगों को पता है जितना हम लोगों को अपने पंजियों का फोटोकॉपी करवाना रहता है, खुद से ज़्यादातर पंजियाँ हम लोग खुद से ही मेंटेन करती हैं, खरीद करके, अन्नप्राशन दिवस हो गया, गोद भराई दिवस हो गया, THR पंजी भी हम लोग कभी कभी अपने ही पास से खरीद के हम लोग काम करते हैं, लेकिन उस समय तो आप लोग नहीं पूछते हैं कि आप लोग किस प्रकार से ये, या फिर हमारे काम की आप लोग तारीफ नहीं करते हैं कि क्यों सेविका कितनी अच्छी है कि अपने पास से खरीद के काम कर रही है, लेकिन जहाँ कुछ भी 19-20 हुआ वहाँ आप लोग दौड़े दौड़े आते हैं THR करवाने के लिए। क्यों सिर्फ एक THR की ही निगरानी आप लोगों की होती है? क्या सिर्फ आप THR करवाने के ही हकदार हैं? जी नहीं, अगर आप THR के दिन जा करके सेविकाओं को
उल्टा सीधा कर रहे हैं, अखबार में निकलवा रहे हैं, और उससे आप लोगों को लगता है कि आपकी पदवी ऊंची होगी, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। और कर रहे हैं तो वो आपका संस्कार है, क्योंकि कोई भी प्रमुख हो, कोई भी मुखिया हो या कोई भी हो, आप लोग को भी पता है कि आप परियोजना में या फिर अपने पद पर 4 से 5 साल, 5 साल के लिए नियुक्त है, उसके बाद से आपको फिर जो है कि लड़ना है, लड़ करके और अपना जो काम की छवि है लोगों को दिखानी है, और दिखा करके फिर आपको चुनाव लड़ना है, और तब जाकर के दोबारा आप चाहे मुखिया बने, चाहे सरपंच बने, चाहे प्रमुख बने। लेकिन एक सेविका जो है वो प्रतिदिन 25 दिन तो सेंटर पर का जो काम है सुख है ही, लेकिन अतिरिक्त में भी 4 घंटे के बाद भी उसे दिन भर खटना पड़ता है। पोषण ट्रेकर में जो हम लोगों का वर्क होता है, जो हम लोगों को मोबाइल रिचार्ज का पैसा, आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि हमें 4-4 महीने 5-5 महीने तक मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं मिलते हैं। हम लोग खुद से मोबाइल रिचार्ज करवा के हम लोग पोषण ट्रेकर ऐप का काम कर रहे हैं। 2019 में सेविकाओं को पैनासोनिक का मोबाइल मिला हुआ था, जो कि 19 के लास्ट आते आते ही खराब हो गया। 20, 21, 22, 23 4-5 सालों से सेविका किस प्रकार से काम कर रही, आज तक आप लोगों ने सेविका के काम के बारे में कभी भी आवाज नहीं उठाई। कभी आप लोगों ने यह नहीं कहा कि हम सरकार से आपके हक की बात करेंगे, लिए आपके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, हम सरकार से पूछेंगे कि क्यों सेविकाओं को मोबाइल फ़ोन नहीं दिया जा रहा है, क्यों अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। हमें ज़्यादातर दिक्कत अपने विभागीय कर्मी से नहीं होता है, क्योंकि विभागीय हमारे जो कर्मी होती हैं, हमारी महिला पर्यवेक्षिका होती हैं, हमारी CDPO मैम होती हैं, उन्हें यह बात अच्छे से पता है कि उन्होंने हमें क्या क्या सामान उपलब्ध कराया है और किस रेट पर उपलब्ध कराया है। अभी जब पोषाहार की राशि आधी कट के लगभग 1 साल होने जा रहा है, सेविकाओं को पोषाहार की राशि आधी मिल रही है, लेकिन कहीं भी किसी पोषक क्षेत्र में जिन लाभार्थियों को आप लोगों ने एक बार दे दिया है, लगातार आप 13 वर्षों से देते आ रहे हैं, और अचानक में आप कहिए कि आधा आ रहा है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे सेविका मैनेज करके, जहाँ रजिस्टर में सिर्फ 30-40 नाम चढ़ाइए, लेकिन अलग से उसे 50-55 देना पड़ रहा है, वहाँ आवाज़ नहीं उठाते हैं कि सेविका यह काम कैसे कर रही है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है। मैं सभी अपने जितने भी ब्लॉक प्रमुख हैं, मुखिया है, वार्ड सदस्य हैं, सरपंच हैं, सभी से मैं यही गुहार लगाना चाहूँगी कि अगर आप सेविका के हक के बारे में मांग नहीं कर सकते हैं, सेविकाओं के कार्य की सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो सेविकाओं पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि एक सेविका किस प्रकार से और किस परिस्थितियों में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करती है। और केंद्र संचालन के बाद भी क्या आपको इतना आसान लगता है 35 से 40 बच्चों को, जिसमें कि 3 साल के बच्चे, 3.5 साल के बच्चे, आपके घर में सिर्फ 2 बच्चे हैं और आप 2 बच्चे में परेशान हो जाते हैं, और एक सेविका जो कि 3 साल, 3.5 साल के बच्चों को 40-30 बच्चे, कभी कभी 45 बच्चे भी केंद्र पर हो जाते हैं, किस प्रकार से वो 4 घंटे डील करती है। कभी एक दिन आप बैठ के देखिए, बस एक दिन आप केंद्र निरीक्षण में आते हैं तो आपका सर फट जाता है। सोचिए कि सेविकाएं और सहायिकाएं किस प्रकार से मैनेज करती हैं। तो थोड़ा सा शर्म करिए और सेविकाओं के कार्य की कदर करिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे इतना ज़्यादा शेयर करिए कि यह जो वीडियो है कि बहुत आगे तक जाए और सबको समझ में आए कि सेविकाओं के कार्य की कभी भी बेइज्जती करने से पहले एक बार सोच लें कि सेविका के कार्य की इज्जत भी होती है। धन्यवाद।